देखिए मैं समझता हूँ क्यों कहा, क्या ये कहने की उनको ये मोड़ लेने की जरूरत क्यों पड़ी मोदी जी को, ये तो हमारे सभी चार मित्र तीन मित्र बता चुके हैं, तो उसको दोहराने से भी फायदा नहीं है। लेकिन इसको देखने के दो तरीके हैं, एक तो ये कि हम इसको शुद्ध एक चुनाव जीतने की रणनीति के रूप में देखें बड़े तटस्थ भाव से, कि हर पार्टी अपनी एक रणनीति तय करती है और जैसी रिपोर्ट्स आती है फीडबैक मिलता है हर चुनाव के हर मतदान के चरण का उस हिसाब से अपनी रणनीति बदलती है, तो एक सामान्य रणनीति बदल ली है उसके तहत भाजपा को अपनी पुरानी पिच पर मोदी जी ले आए। लेकिन हमें ये याद रखना पड़ेगा भले ही वो इस समय प्रचारक हैं लेकिन वो अभी कार्यपालक प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं किए गए, घोषित नहीं किए गए। अगर कर दिए गए हो तो मैं समझता हूं हमारे कानून में ये बदलाव होना चाहिए कि जैसे ही लोकसभा चुनाव घोषित हो या विधानसभा चुनाव घोषित हो तो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तय कर दिए जाए, नियुक्त कर दिए जाए और घोषित कर दिए जाए ताकि उनकी जो कानूनी स्थिति है वो स्पष्ट रहे। लेकिन ऐसा नहीं है हमारे प्रावधान, इसलिए हमें यह मानना पड़ेगा कि वो जब तक अगली लोकसभा का चयन और वो अस्तित्व में नहीं आ जाती वो इस देश के प्रधानमंत्री उतनी ही नैतिक बल के साथ है और राजनीतिक बल के साथ है। जैसे राहुल जी, राहुल प्रधानमंत्री ने जो कहा, नरेंद्र मोदी ने जो कहा उस पर इलेक्शन कमीशन ने हेट स्पीच माना, राहुल गांधी ने जो कहा उसको भी वायलेशन माना चुनाव आचार संहिता का, दोनों को नोटिस चले गए। तो यहां पर तो चुनाव आयोग डोक में आता है क्या, जिस समय वो देश की सबसे ताकतवर संस्था है, सारी सरकार सारी मशीनरी आंसरेबल टू इलेक्शन कमीशन। मैं जवाब दूं जी, देखिए संस्था तब ताकतवर होती है जब उनको अपनी ताकत का एहसास होता है, अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है और अपनी उस संवैधानिक जिम्मेदारी को निभाने का साहस दिखाती है, वो नैतिक साहस होता है। चुनाव आयोग ने हम देख रहे हैं कि ये नहीं दिखाया है। एक उन्होंने बिल्कुल इतिहास में पहली बार एक नया तरीका उन्होंने खोजा है कि एक व्यक्ति के द्वारा किए गए चुनाव संहिता के उल्लंघन के पर उन्होंने नोटिस उस व्यक्ति को नहीं उसकी पार्टी को भेजा है, और इसी चुनाव में वो कम से कम 6 या 7 लोगों को उनके नाम से पहले नोटिस भेज चुके हैं। तो या तो पहले ये तय हो जाता, चुनाव शुरू होने से पहले चुनाव आयोग ये कह देता कि हम इस बार नीति बदल रहे हैं, जिस भी पार्टी का कोई भी नेता या प्रचारक उल्लंघन करेगा हम उस व्यक्ति को नहीं उसकी पार्टी को और उसके अध्यक्ष को और नोटिस भेजेंगे। ऐसा तो नहीं किया चुनाव आयोग ने, केवल प्रधानमंत्री के मामले में, और चूंकि उन्हीं के साथ राहुल गांधी का भी मामला था इसलिए उन्होंने एक नोटिस नड्डा जी को भेज दिया, दूसरा को भेज दिया। ये अपनी जिम्मेदारी से भागना है और इसका कोई पहली बात प्रेसिडेंट नहीं है, हमारे पूरे चुनाव के इतिहास में कोई प्रेसिडेंट नहीं है। लेकिन राहुल जी इसका इलेक्शन पर इंपैक्ट जहां पर ले आया गया ये चुनाव, दूसरी बात कि एक मैं नहीं समझता, विनोद मुझसे ज्यादा यहाँ वरिष्ठ है और जानते हैं, मेरी जानकारी और स्मृति में भारत के किसी भी प्रधानमंत्री ने किसी भी चुनाव में उस तरह की साफ साफ सांप्रदायिक बातें नहीं की हैं, हिंदू मुसलमान नहीं किया है जैसा इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे ठीक किया जाए कि क्या किसी और प्रधानमंत्री ने ऐसा किया था, ये एक असाधारण बात है जो हुई है। लेकिन मैं आपसे इसका फर्दर इंपैक्ट पूछ रही हूँ राहुल जी, इसका फर्दर इंपैक्ट, कांग्रेस डिफेंसिव हो गई, कांग्रेस ने सेल्फ गोल कर दिया, ऐसे भी कुछ नैरेटिव्स हैं, इसका चुनाव पर इंपैक्ट 2024 भाई वो भी अपने टर्फ पर खेल रहे हैं। कांग्रेस ने इतिहास में हजारों गलतियां की है और दुनिया की हर पार्टी ने की है, हर इंसान ने की है, तो कांग्रेस का सेल्फ गोल कांग्रेस ने नहीं किया, वो सैम पिट्रोडा ने किया पहली बात। और ये मानना कि सैम पिट्रोडा ने जो कहा वो कांग्रेस से और कांग्रेस अध्यक्ष की और कांग्रेस हाईकमान की अनुमति लेकर किया या उनके कहने से किया तो ये तो मूर्खता होगी, उन्होंने एक बेवकूफी की है सैम पिट्रोडा ने, और उन्होंने अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचाया है, ये पहले भी कर चुके हैं उनकी। ठीक है राहुल।